Hello everyone, welcome you all to YouTube channel Life is Awesome Civil Engineering Plans. Viewers, आज मैं आपको एक 30x40 बिफोर आफ्टर पूरे इमेजेस दिखाना चाहता हूँ एंड इस घर का पूरा कंप्लीट वॉक थ्रू भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ. ओके, मैं कुछ इमेजेस के द्वारा एक आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि फ्रंट एलिवेशन पे कितना डिपेंड रहता है बोल के. ओके, उससे एक आइडिया मिलता है आपको फ्रंट एलिवेशन किस तरह से बनाना चाहिए. एंड कुछ चार पांच इमेजेस है मेरे पास, उससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा. और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सब्सक्राइब दी चैनल लाइफ इज ऑसम सिविल इंजीनियरिंग प्लान्स फॉर मोर वीडियोस रिलेटेड टू हाउस कंस्ट्रक्शन. हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ अब तक हम दिए हैं और आने वाले समय में भी दे देंगे. यहाँ देखिएगा, एक ये पार्किंग है घर के अंदर, पार्किंग स्टेयरकेस. यहाँ पे पूजा रूम, किचन है, किचन का विंडो है और यहाँ पर जो है एक वेंटिलेटर आ जाएगा, आप देख सकते हैं, एक शॉप है. ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इमेज में देख सकते हैं एकदम पूरा स्लैब उसको ऊपर उठा के फिर नेक्स्ट क्या किया गया, इसको पूरा कंस्ट्रक्ट किया गया, समझो ब्रिक वर्क बनाएगा. स्लैब वर्क होने के बाद नेक्स्ट ब्रिक से उसको पूरा बांधे. ओके, ब्रिक से बांधने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर अभी क्लियरली मेंशन किया है, मतलब देख सकते हैं आप. हाँ, तो अगर आपके पास भी कोई फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन है, 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन बिफोर आफ्टर, या फिर हमारे चैनल के माध्यम से आप पूरा विश्व को दिखाना चाहते हैं कुछ इमेजेस वीडियोस, तो हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा. एंड ये हो गया ब्रिक वर्क. ब्रिक वर्क फिर यहाँ पे बीच में एक विंडो ऐसा कुछ बना सकते हैं, ये ओपनिंग भी रख सकते हैं, या फिर ग्रिल वर्क एंड ऊपर भी ग्रिल्स आ जाएगा जो सेफ्टी पर्पस बॉर्डर. और यहाँ पर देखिए ये इस तरह से है, समझो मतलब जब थोड़ा सा पूरा कंस्ट्रक्ट करें आप, प्लास्टर होने के बाद जो पेंटर रहते हैं ना पेंटिंग वर्क करते समय, उसको एक वो ब्रिक वर्क से उसको बनाया गया, समझो. ये आप देखते हैं, ये है प्लास्टरिंग वर्क. ओके, ऐसे ही डिज़ाइन बनाएगा. ओके, ये कुछ इमेजेस था लास्ट. एंड इसके बाद और एक है फाइनल इमेज, जिसमें पूरा कलर के साथ आप देख सकते हैं नीचे ऊपर सब पेंट प्लास्टर करने के बाद इस तरह से दिखेगा. देखिए दोस्तों, ये लास्ट इमेज है. ओके, इस घर का बहुत खूबसूरत दिख रहा है देखने में भी. एंड इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल से लगभग 30 लाख रुपीज़ तो आया होगा. एंड यहाँ पर एक बात है, एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है. जब आप इस तरह का घर बांधते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेजेस. एडवांटेज यही है, फ्रंट एलिवेशन प्रपोज आप डबल वाला बना तो बना दिए. ओके, फिर उसके बाद क्या है खर्चा, डेड स्टॉक, मतलब जो करीब आपको 2-3 लाख रुपए तो चाहिए. मान लीजिए यहाँ पर स्लैब है, फिर इसको कॉलम स्लैब, फिर वो सब बनाने के लिए ना पैसा ज़्यादा चाहिए. बट ये लगता है कि फ्रंट एलिवेशन खूबसूरत दिखता है एंड फ्रंट एलिवेशन अच्छा दिख रहा है देखने में. बट पैसे जो है 3-4 लाख रुपए आपको ऐसे ही, मतलब उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, आप उसका यूटिलाइज़ नहीं कर सकते. एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज, बारिश से आप बचा सकते हैं छत को, बट ऊपर वाला छत वैसे भी ख़राब भी हो जाएगा, तो तगड़ा डालने के बाद थोड़ा सा अच्छा हो सकता है मे बी. तो मेरा एक सजेशन है, अगर आप लोन लेके बांध रहे हैं या फिर आपके पास नेट कैश भी है समझ लीजिए, तो स्लैब मत डालिए जस्ट फॉर फ्रंट एलिवेशन पर्पज़. क्यों उतना खर्च करना चाहते हैं सिर्फ फ्रंट एलिवेशन के लिए? 3-4 लाख रुपए आज के ज़माने में, आज इस वक्त जो 3-4 रुपए का कीमत है, वो आपको एक 4-5 साल के अंदर उसका वैल्यू वो नहीं रहेगा, गिर जाएगा. तो वैसे ही समझो, ऐसे ही करके इरिटेट बहुत होता है यार, दिमाग खराब है. ओके, थैंक यू. पता नहीं क्या होता है.